क्यों मुझसे इतना प्यार करती हो तुम? मेरे साथ क्यों है? मतलब एक नंबर का कुत्ता हूँ, कमीना हूँ, चमड़ी बाज हूँ, पर फिर भी तुम मुझे ऐसे देखती हो कि जैसे मैं कोई योद्धा हूँ। तू ना बिल्कुल इलास्टिक की तरह है। मतलब मैं जितना तुझसे दूर जाता हूँ या तुझे अपने से दूर करता हूँ, तू इतनी तेजी से आके मुझसे चिपक जाती है। क्यों है तू ऐसी? मतलब अब तो ना मुझे बाकी लड़कियों में भी तू नजर आने लगी है। तुम्हें याद है बचपन में जब छत पर पकड़े गए थे तुम प्रीति के साथ? मैं वहीं पे थी। और मुझे ये भी याद है कि तुम अंधेरे से बहुत डरते हो, इसलिए रात को जब भी तुम कोई गली से निकलते थे मैं टॉर्च लेके वहां पे पहुंच जाती थी। लोग कहते हैं कि लोगों के स्वभाव से या काम से प्यार होता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार तो बचपन का है ना अजय। मेरे लिए तुम मेरे राजा हो, चाहे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी रानी क्यों ना हो। मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो, भूल जाओ मुझे। योद्धा की होने वाली बीवी हूं मैं, प्रॉब्लम से नहीं डरती, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। देखो मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो और मैं तुम्हें हेल्प ना कर पाऊं। तुम मुझे इतना तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है अजय। जंग से पहले और जंग के बाद वाले सुकून में बहुत अंतर होता है, जिसकी समझ सिर्फ एक योद्धा को होती है। योद्धा यानी मैं। मेरी दादी कहती है योद्धा की हर मुश्किल उसके लिए एक मौका है, जो उसे और भी बलवान, निडर और शूरवीर बनाता है। लेकिन मैं तो जब मेरी दादी यंग थी वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, ये दरवाजा मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। मेरी लाइफ ना सही लेकिन मेरी लाइफ बचपन से ही सेट थी। और फिर मुझे एक नया नाम मिला, 8 इंच अजय। ये है मेरा घर, काफी पुराना है इसीलिए रीडेवलपमेंट में जाने वाला है। पुराने से याद आया, ये है मेरी जेन जी दादी। पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी लेकिन अब खुद मेकअप करके सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग करती है। खाना बनाने से लेकर एटीएम में पिन डालने तक का व्लॉग बना देती है ये। By the way, मैं एक फाइनेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। अपने सपने गिरवी रखकर दूसरों के सपने पूरे करने के लिए उन्हें लोन देता हूँ। सर, चाय। ये है रिहान। रिहान मेरा जूनियर है
पर मेरा खास दोस्त भी है। मैंने बनाया स्पेशली आपके लिए। अच्छा बता रहा हूँ, लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम? कौन सी लड़की? छोड़ना, नाम में क्या रखा? फोटो देखा? हाँ। ओए, बॉस। लगा दे। अगर किसी शैतान का बच्चा होता, बिल्कुल मेरे बॉस जैसा। उड़ी बाबा। अगर मेरे लाइफ पर कभी पिक्चर बनी, तो इनके हर डायलॉग पर बीप लगाना पड़ेगा। दांत कलाने, आइए महाराज, पिछवाड़ा टिकाइए। आपसे बात तलाब करनी है। तुम जाओ। छोरेर बच्चा, जब चक्रवर्ती ने पेपर पर साइन कर दिया है तो बात खत्म। तू होता कौन है भंडारी का लोन रोकने वाला? वो सर पर उसका वो आईटी पे चोरी बा छोरे बच्चा। छोटे से केबिन में बैठ के तू बड़ा बड़ा डिसीजंस लेगा? चुप छोरे बच्चा, एक नंबर का गधा है बस। तू है या मैं? आप सर। चुप पट्टू साला, गेट आउट। चुप पट्टू साला। जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूं तो पट्टू से गट्टू बन जाता हूं। जय हो अजय महाराज, आज आपका काम हो जाएगा। ये है दल्ला, नाम से भी और काम से दल्ला। ताकत कहिए या भगवान का गिफ्ट, बचपन से दो ही चीजें रही जिसमें मैं हमेशा आगे रहा, लक एंड। मेरी जिंदगी में कभी अमावस की रात नहीं आई। क्योंकि मेरा चांद मेरे पास ही है, अपर्णा मेरी मंगेतर। आज फिर से कॉल किए बिना सोने वाले थे ना? एनजीओ सख्त नारी में काम करती है, कहीं भी रेड मारने की विशेषज्ञ। नहीं मतलब मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। क्या कर रहे हो? फिलहाल तो किसी से डांट खा रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, बस पापा फिर से पूछ रहे थे कि शादी कब। ओ ना, अब जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होता तब तक भूल जाओ, और इसमें कम से कम 2 साल जाएंगे। लेकिन बिल्डर ने तो 6 महीने बोला था ना। हाँ, पर उसने 4 साल पहले भी तो 6 महीने कहा था ना। कसम से जिस दिन घर बना ना, पहला नारियल मैं उस बिल्डर के सर पर ही फोड़ूंगी। ओए सुनो, अगर गुस्सा करना है ना तो अपने पापा पे करो। ये नया घर मिलेगा तभी शादी होगी, ये वाली शर्त उन्होंने ही रखी थी। अगर पोजीशन नहीं मिलेगा तो बेटी भी नहीं मिलेगी, ये कहा था ना उन्होंने। कैसे समझाऊं? देखो यार, अब ना मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। अच्छा अच्छा ठीक है ना, गुस्सा मत हो। सुनो, आई लव यू। आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6, आई मीन 6। अच्छा सुनो अब्बू, एक बात बताओ, लोग ना प्यार में जान दे देते हैं, तुम दोगी क्या जान? जो मांगोगे सब दूंगी, खुशियां, शांति, गुड लक। पर मुझे ना तुमसे वो चाहिए जो हर लड़की को लड़की से चाहिए होता है। तुम दहेज लोगे मुझसे? नहीं यार। किडिंग।
I know you want a kiss. Kiss? Kiss तो बस starters है. सीधा main course पे आओ. वो सब शादी के बाद. अभी शादी के बाद तो होते रहेगा. But अभी phone पे तो हो सकता है ना? जैसे कि तुम imagine करो कि मैं तुम्हारी कुर्ती में हाथ डाल रहा हूँ. लेकिन मैंने तो टी शर्ट पहना है. ओके, तो इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे ब्रा में हाथ डाल रहा हूँ. अपर्णा, अपर्णा, सोई नहीं अभी तक? हाँ पापा, बस सोने ही जा रही हूँ. अच्छा चलो चलो सोते हैं, कल सुबह मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना है. बाय, लव यू. ये है हर फ्रस्ट्रेशन का मेडिटेशन, रोजी. बला की खूबसूरत है ना, लेकिन ट्रस्ट मी, इससे मिलने के बाद खूबसूरत कम, बला ज्यादा लगने लगेगी. कैसे हो हैंडसम? मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? ठीक हूं. चले. चलो चलो, रुक, भागता है. जान से मार दूंगा साली, अगर किसी के साथ सोई तो हराम शादी. हाँ मैं जानती हूँ, तू अजय से बहुत प्यार करती है, वो भी करता है तुझसे. लेकिन बात को समझने की कोशिश कर, अगर अजय को तुझसे रस नहीं मिलेगा तो कलियां और भी है गुलशन में. टेंशन. वो कौन था जिसने मेरी गाड़ी पर डंडा मारा? क्यों, डर गए क्या? अरे एक्स था मेरा. ये लो एप्पल खाओ बेबी, डोंट थिंक सो मच. वो खाओ ना. से ही हमेशा तुम्हें परेशान करता है क्या? हाँ वो ऐसा ही है. इट्स ओके, जस्ट ईट द एप्पल. एक काम करे क्या? हाँ. अब मैं कल आऊँ वापस? हाँ कल क्यों, तो आज का क्या होगा? अब आज एप्पल खाते हैं ना? एप्पल अब खा लो, फिर बाद में बहुत कुछ है करने के लिए. खाओ. ऐसा पहली बार हुआ है कि घर की दाल देखकर बाहर की मुर्गी खाने का मन नहीं हुआ. और इस दिन के बाद मुझे समझ आया कि लाइफ की स्पेलिंग में एल लगा हुआ है, तो लाइफ में तो लगनी ही. पहन के क्यों नहीं आया? अच्छा वो वाली, वो मैं शॉर्ट वाली.
बहुत अच्छी दिखती हो तुम। कल अमावस की रात चांद देखकर आए हो, कैसा लगा चंद्रायन बनकर? कुछ था क्या, मतलब मैं तो घर पे ही था तो। अच्छा, तो तुम रोजी को नहीं मिले? पागल है क्या, मैं तेरे बीबी से रात को क्यों मिलूंगा? छी, वो तो रजिया है, मैं तो रोजी की बात कर रहा हूँ। रोजी? रोजी कौन? रोजी तू बीमार है क्या? ओके ना, बुखार ऊपर बैठा, सब कुछ भूल जाती। वैसे तेरे कोई इंस्पेक्टर वेट कर रहा है तेरे कैबिन में। यू आर लाइक ही वांट्स टू सी यू एंड अर्जेंटली, ये सब। लोन दिलवा दीजिए प्लीज, प्लीज सर, आप ही बचा सकते हैं सर। हाँ हाँ, आप उठिए, बैठिए, मेरे कुर्सी पे बैठिए, बैठिए, अरे बैठिए, दिखाइए। ये देखिए मेरी बेटी, ठीक लगती है? अब बेटी नहीं, पेपर्स दिखाइए आप। जी, स्पर्म बैंक छोड़ के हर एक बैंक से मदद मांगी, कोई लोन देता ही नहीं। आप दिलवा दीजिए सर। आप पेपर्स देख रहा हूँ मैं, घूस खा खा कर एक एक पाई चुका दूंगा, वादा करता हूँ। लोन भले ही आपकी कंपनी दे, कसम से, लेकिन जिंदगी भर कर्जदार मैं आपका रहूंगा। वैसे आप करते क्या हैं? बस कंडक्टर हूँ। मेरे जूते नहीं देखे आपने? पुलिस वाला सीनियर इंस्पेक्टर। चल, हाथ धो के लाए हो ना? मेरे पूछने का मतलब था सर कि आप अब पुलिस में क्या काम करते हैं, मतलब कैसे केसेस देखते हैं आप? चोरी? यस। मोलेस्टेशन, असॉल्ट? जी हाँ, जी हाँ। मर्डर? ये सर लोन के लिए जरूरी है क्या? नहीं सर, वो तो मैं पूछ रहा था क्योंकि मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है फिल्म का? फिल्म का नाम है मोहब्बत की खुजली। अच्छा, तूने मुझे नहीं बताया। सस्पेंस फिल्म है ना, बताता तो सस्पेंस कैसे रहती। क्या मर्डर? कौन? वो एंटॉप हिल वाली रोजी, जिसके दाएं पैर के घुटने पे तिल है। अरे पुलिस वाला हूँ, सबकी खबर रखनी पड़ती है। चलो रखो रखो, मैं आ रहा हूं। है? ये हिल क्यों रहा है? भूकंप आया है क्या? नहीं सर, उसको वो मोहब्बत की खुजली होती है। एक मर्डर केस हो गया है तो मुझे निकलना पड़ेगा, पर मैं लोन के लिए आऊंगा वापस। हाँ जी सर। ए, हिलो मत, मैं फाइल ले जाऊं? नहीं नहीं, आप रखो, ठीक है जी सर।
हिलो मत, हिलो मत। मैं किलर नहीं हूँ, बता रहा हूँ मैं किलर नहीं। सुन, समझ। मुझे मुझे सांस लेने नहीं हो रही है, सांस लेने नहीं हो रही है। चौकी मैं बता रहा हूं मैं किलर नहीं हूं। कुछ डिफॉल्टर्स है ना, वो यहीं रहते हैं, तो बस उनको वो नोटिस देने आया था। इंस्पेक्टर साहब, कल रात यहाँ कांड हुआ। कल रात तूने उस लड़की के साथ किसी को देखा? ये तो था इंस्पेक्टर साहब, 6 फुट हाइट। आप भी तो थे इंस्पेक्टर साहब। सर वो आपका एप्लीकेशन पढ़ा लोन का, मैंने काम शुरू करता हूँ। तुम पूछ रहे थे ना हम काम क्या करते हैं। कल रात यहाँ मर्डर हुआ है, आओ दिखाते हैं हम काम कैसे करते हैं। सर वो ऑफिस में काम है। अरे आओ यार, हमारी फिल्म मोहब्बत की खुजली में मदद मिल जाएगी। आओ सर। कातिल यही था, उसने आधा खाया सेब यही छोड़ दिया। कातिल ने यही आधा स्नान किया होगा। या कातिल ने लड़की का बेरहमी से कत्ल किया। मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई, मर्डर वेपन की तलाश चालू, और सबसे जरूरी बात, ये किसी किले का काम है। किलर के फिंगरप्रिंट्स कुर्सी पर हैं। अबे सर, आप यहाँ, वो आपके लोन का काम चल रहा है। बताइए सर। जब तक बोला नहीं जाए तो खड़े रहो। तुम जो फिल्म लिख रहे हो उसका इंटरवल पॉइंट लेकर आया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये तुम हो बरकरार, मौत की खुजली। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। जी सर। मेरे लोन का अमाउंट होगा 1.5 करोड़, वो भी सबसे कम इंटरेस्ट पर। सर माना कि आपकी इकलौती बेटी है, पर शादी में 1.5 करोड़ का खर्चा। बेटा जब किस्मत खराब तो मच्छर के काटने पर भी जलन तक हो जाता है। मैं ये सब ठीक कर सकता था, लेकिन अकेले नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए किसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। किसका आशीर्वाद सर? वही जो लहरों से दुश्मनी रख रेत के महल बनाता है। हर समस्या की एक दवा रागा। Maka. Maka. Maka.
उनकी बात कर रहा था। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। चल चल बैठ। अरे उसको बैठने को बोल। तू पहले एक बात बता, तू चाकू घर क्यों ले गया? रास्ते में कहीं फेंक देता? वो सर मर्डर वेपन था, मतलब पुलिस के हाथ लग जाता तो पुलिस के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते ना। आपकी बात नहीं कर रहा, वो कुत्ते तो वफादार होते हैं। अब देख, उस लड़की का मर्डर तो हुआ है, किसी ने तो वो औजार इस्तेमाल किया है। अरे किसी को तो औजार इस्तेमाल करने आता है, किसी का तो चल। चुप कर। भाभी जी घर में मेहमान आए हैं, आराम से। सिर्फ बाहर के ही मेहमान आएंगे इस घर में, नन्हा मेहमान कभी नहीं आएगा। अच्छा एक बात बता, तेरे को किसी पे शक है? क्योंकि किसी ने तो उस लड़की को मारा है, करेक्ट? हाँ एक आदमी था, मतलब उस दिन जब मैं रोजी के साथ गाड़ी में था ना, तो उसने आके मेरी गाड़ी पे हाथ भी मारा था और रोजी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। कैसा दिखता था ये आदमी? वो ना इतना लंबा था, मतलब 6 फीट 3 इंच, घुंघराले बाल थे, दाढ़ी थी, पूरा सावला सा रंग था और उसके गले में एक लॉकेट भी था और अच्छी खासी बॉडी भी थी। ₹10,000 चाहिए। आप मेरे साथ आइए। आई मीटिंग चल रही है। तो क्या हुआ, पैसा चाहिए तो चाहिए। आइए आइए मैं देता हूँ, आइए आप मेरे साथ। भैया की मीटिंग चल रही है, डिस्टर्ब नहीं करते। कैसा दिखता था वो? ये कौन था? ये भाई है मेरा। वो आदमी ना 6 फीट नहीं था, इतना ही था, 5 फीट का होगा। वो गोरा चिट्टा था और उसके बाल ना बिल्कुल सीधे थे। हाँ आपके भाई जैसे बिल्कुल नहीं था वो। सॉरी मुझे ना अर्जेंटली ऑफिस जाना है, अब माफ कर दीजिए, अब मैं बाद में आके मिलूंगा। हाँ आपके भाई जैसे बिल्कुल नहीं था वो। क्यों मुझसे इतना प्यार करती हो तुम? मेरे साथ क्यों है? मतलब एक नंबर का कुत्ता हूं, कमीना हूं, चमड़ी बाज हूं, पर फिर भी तुम मुझे ऐसे देखती हो कि जैसे मैं कोई योद्धा हूं। तू ना बिल्कुल इलास्टिक की तरह है, मतलब मैं जितना तुझसे दूर जाता हूँ या तुझे अपने से दूर करता हूँ, तू उतनी तेजी से आके मुझसे चिपक जाती है। क्यों है तू ऐसी? मतलब अब तो ना मुझे बाकी लड़कियों में भी तू नजर आने लगी है। तुम्हें याद है बचपन में जब छत पर पकड़े गए थे तुम प्रीति के साथ? मैं वहीं पे थी। और मुझे ये भी याद है कि तुम अंधेरे से बहुत डरते हो, इसलिए रात को जब भी तुम कोई गली से निकलते थे मैं टॉर्च लेके वहाँ पे पहुँच जाती थी। लोग कहते हैं कि लोगों के स्वभाव से या काम से प्यार होता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार तो बचपन का है ना अजय। मेरे लिए तुम मेरे राजा हो, चाहे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी रानी क्यों ना हो। बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो, भूल जाओ मुझे। योद्धा की होने वाली बीवी हूं मैं, प्रॉब्लम से नहीं डरती, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। देखो मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो और मैं तुम्हें हेल्प ना कर पाऊं। तुम मुझे इतना तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है अजय। It's
पहली बार देखा तो ऐसा लगा कोई पुराना नाता है। ये एनजीओ में काम करती है, नाम है पढ़ना। आपने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? सॉरी सॉरी सॉरी, बात नहीं, मैं एक सपना दिख रहा था। तो तुम्हें मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। एक बात कहूं, तुम्हें ऐसे देख के कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। सॉरी, दादी का है और तुम कब आई? मैं आधे घंटे पहले आई हूँ और दादी मंदिर गई है। मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे योद्धा। मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ कहने आई थी। अजय, मुझे लगता है तुम्हारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट पे मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे मैंने तुम्हारे फोन के हिस्ट्री निकलवाए। एक मिनट, तुमने मेरे फोन की हिस्ट्री निकलवाई? तो मैं और क्या करती, तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं हो, प्रॉब्लम में रहते हो। तो तुम मेरी जासूसी करोगी अब? मैं तो बस तुम्हारे क्या, तुम्हारे जो भी कॉन्टैक्ट्स है ना, वो मेरी प्रॉब्लम जान सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पर उसे खत्म नहीं कर सकते। तो तुम मुझे खुद क्यों नहीं कुछ बताते? मेरी हर प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम क्यों बन जाती है? देखो, तुम्हें बीच में आने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैं आऊंगी, हर बार आऊंगी। योद्धा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसको ढाल की जरूरत होती है, और मैं तुम्हारे लिए वो ढाल बनूंगी। और मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं चाह कर भी खुद को नहीं रोक सकती अजय, ना तुम्हें प्यार करने से, ना तुम्हें बचाने से। मैं तुम्हारे पास तभी आऊंगा जब मैं तुम्हारे पास आने के लायक बनूंगा। रात फोन क्यों किया? हाँ सर, वो एक कल रात प्रॉब्लम हो गई थी। साले, रिसेशन के जमाने में मेरा लोन नहीं पास हो रहा है और तुझे इनसे कैश चाहिए? सर, 50 लाख रुपए मांग रहा था सर कैश। साले, 1000-2000 खर्च करने की उम्र बची है तेरी, क्या करेगा 50 लाख? कौन है ये लोग सर, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। सर, आपने उसको लाफा मारा ना, इसका दिमाग हिल गया है। सर, कल ऐसी ऐसी धमकी दे रहा था, मुझे तो लगा ये खुद रह गया। अरे मैं सच में आप लोगों को नहीं जानता हूँ। साले, अरे कल रात तो तूने हमें पकड़ा था जब हम बाजू वाले बंगले में आए थे, और मर्डर वाली रात को भी तूने ऐसे ही से बना अपना विटनेस। अरे हाँ, ये सामान आपका है क्या? अरे अरे, नहीं, छोड़, नीचे रख। 500 रुपए लगेंगे सामान रखवाने के। बेचारा 500 रुपए मांग रहा है, दे दो। हाँ। दो उसको। एटीएम समझ के रखा है क्या इसने हम लोग को? अरे दो भी, चलिए चलता हूं मैं। अरे आप लोग जाइए, ये तो मेरा ही घर है। चलो, ये ठीक है? हाँ ठीक, मुझे लगता है थोड़ा और। ओ किलर हो क्या आमिर, छोड़ना, जैसे ठीक है, परफेक्शन में मत घुस। अरे तुम लोग समझ नहीं, द साइंस हैज टू बी राइट। मैंने काफी मूवीज देखी है, देख, अगर रोजी 65 डिग्री एंगल पे फ्लोर पे गिरी और उसका वेट था 55, और फिर चंदन ने उसको पुश किया और सैटर्न का पोजीशन नॉर्थ वेस्ट में था, अटलांटिक ओशन में हाई टाइड था। अपनी गंदी जी, एक मर्डर और दो मर्डर की सजा वही होनी वाली है। सभी करते थे नहीं, मार्स नहीं, 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 मार्स की नहीं। मैं बाकी का संभाल लूं, चंदन जाएगा रोजी के मर्डर में अंदर, तू हो जाएगा इस मामले से फ्री, पर मेरे पैसे चाहिए। हाँ तो मिल जाएंगे ना सर, वो मैंने पेपर सारे फाइल कर दिए, बस आई थिंक एक हफ्ते में अप्रूवल आ जाएगा और फिर आप बन जाओगे 2.5 करोड़पति। एक हफ्ता? मैंने चुटकी में तेरा मर्डर केस संभाला,
एक हफ्ता लेगा मेरा लोन क्लियर करने में। बेटा मैं वो पुलिस वाला हूं जो सबूतों का एनकाउंटर कर गवाहों को जेल भेज देता। मुझे आज के आज पैसे चाहिए वरना तुम दोनों अंदर। अरे पर मैंने क्या किया? मैं सर आप बात समझने की कोशिश कीजिए ना, मतलब आज के आज पैसे कैसे होगा? मतलब पूरा एक प्रोसेस होता है, पेपर वर्क होता है, वो सब होगा, अप्रूवल आएगा तभी तो पैसे मिलेंगे ना। सर एक्चुअली ना आप पर्सनल अंडरटेकिंग पे ओवरराइड कर सकते हो जैसे भाटी साहब का किया था, तो एक दिन में हो जाना चाहिए। एक दिन है तेरे पास, वरना चंदन जेल जाएगा या तू। सर डिस्पर्समेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बस कुछ देर में अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। अबे हिंदी में बोल। आपके खाते में 2.5 करोड़ रुपए जल्दी आ जाएंगे। अरे वाह, चल तेरे को भी मैं एक गिफ्ट भेजता हूँ। गिफ्ट भेज रहे? चंदन अरेस्ट हो क्या? तो क्या तेरे को ये हाथ के दिखने? थैंक यू। राघव हेलो। आजाद होकर कैसा लग रहा है? सर सब आपकी मेहरबानी। ऑफिस के बाद घर आ जा, एक जाम तो बनता ही है। राघू भाई आपने मेरे लिए अपनी भाई को सूखी पे चढ़ा। I love। मैंने मेरे भाई को नहीं एक मुजरिम को फांसी दिलाई। मैं तुम्हें मेरे गुरुजी इनकी हर बात में बांधता हूं। उन्होंने बहुत साल पहले बताया कि मेरा खानदान एक शाही खानदान था और फिर हम पर एक श्राप लग गया। तो आप ये श्राप को अपने मानते हो? आशीर्वाद होता है, श्राप ही होगा ना। तो इस श्राप का तोड़ क्या है? सिर्फ एक अंगूठी है जो हमें श्राप से ऐसी अंगूठी। ये तो बिल्कुल मेरी अंगूठी जैसी है। आपको चाहिए तो मेरी अंगूठी ले लो आप। नहीं नहीं लो, ऐसी भी चाहने की अंगूठी मेरे किसी काम। अब तुम कह रहे हो तो ले लेता हूं। तुम्हें अंगूठी खुद से दे रहे हो ना, मुझे अपनी मर्जी से? हाँ हाँ, अब से अंगूठी आपकी। We'll be right back.
पाप से मुक्ति के लिए एक एग्जाम तो बनता है। हाँ नहीं जी, तुम पियो, तुम पियो आराम से, मिलता हूं मैं तुमसे। हेलो चुबे, फोन रख। दादी आप सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। अजय अंगूठी कहाँ है तेरी? ये मतलब बार बाहर गिर गई क्या? रुक अजय, बाहर अंगूठी नहीं है, कहाँ कहाँ है? तूने मंदिर में छोड़ी है क्या? जय क्या करता रहता है तू, हमेशा ऐसा करता है तू, सब कुछ इधर उधर कहाँ रखे? तू यहाँ बैठा था क्या जय? बोल ना अजय, अंगूठी कहाँ है? दीदी जो मेरा नया दोस्त है ना, उसने आज मुझे बहुत अच्छी वाली स्कॉच मिले, मैं खुश हो गया, उसे गिफ्ट करा। अजय और क्या किया तूने? उस अंगूठी को अपने से दूर करना मतलब श्राप को बुलावा देने जैसा है। श्राप कोबरा? अब धरती आसमान से मिल जाएगी, बिजली के गलत इस्तेमाल से ये गृहस्थी तबाह हो जाएगी। आज से तेरा गधा जन्म शुरू। हेलो, यू आर फायर्ड। आज से तेरा गधा जन्म शुरू। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा गेम चल रहा है। खुद से दे रहे हो ना मुझे अपनी मर्जी से? आप ये श्राप को अपने मानते हो? सिर्फ एक अंगूठी है जो हमें श्राप से मुक्त कर सकती है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मुझे आज नौकरी से निकाल दिया। क्या, कैसे? पता नहीं, बस ऐसे निकाल दिया, कुछ बताया भी नहीं। अब बिना ऐसे कुछ बताए नौकरी से निकालेंगे तो सीवी में भी खराब लगेगा ना, फिर से वो रिहान भी गायब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इस सब के बीच में मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, तुम्हें यहाँ आके है ना, तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। हाँ तो कहो ना। क्या है ना, रोज ऑफिस में बॉस शब्दों से मेरी ठुकाई करता था और मैं इतना फ्रस्ट्रेट होता था, इतना परेशान होता था, तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का मुझे सिर्फ एक तरीका था, इसीलिए मैं। मुझे सब पता है, लेकिन आज तुम्हें उन लड़कियों का ख्याल नहीं आया। देखो मैं जानता हूं कि तुम भरोसा नहीं करोगे, बट आई रियली लव यू। और मुझे ये भी पता कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। पापा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मतलब ये अच्छा नहीं लगेगा तो और क्या अच्छा लगेगा? छोटा है तू, छोटा, come on, छोटा है। शायद स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा ना? नहीं यार, मतलब स्ट्रेस में तो मैं और बेटर होता हूँ। क्या है ना, मेरा कैरेक्टर ढीला हो सकता है, बट मैं नहीं। ऐसा ना मेरे साथ पहली बार हो रहा है। जय हो अजय महाराज। आपके लिए
मशीन वाला है, 2 साल पटना में रही है, भोजपुरी बोलती है। काबा तुम यहाँ आने से पहले दिल्ली को कॉल किया था? अंगूठी खुद से ले रहे हो ना? हाँ। बात को समझने की कोशिश कर। उस राजा ने जो गलती की थी उसी गलती को दोहरा रहा है बेटा। आज से तेरा गधा जन्म शुरू। तू होता कौन है 2.5 करोड़ का लोन सैंक्शन करने वाला? यू आर फायर्ड। मेरे पापा सही कहते थे, अजय कुत्ता कमीना लुच्चा, पर तुमने मेरे हिस्से का प्यार उस कोठे में लुटा चुके हो। तुम मैं तुमसे प्यार करती थी अजय, हेलो अजय धंधेरे, ऑफिस अभी पहुंचो। क्या हुआ, पर्दा लगा दूं क्या? कोई जरूरत नहीं है अजय धंधेरे, तुम्हें फ्रॉड करने की जुर्म में अरेस्ट करने आया। पर सर ये सारे फ्रॉड तो सर ने किया है। अब तो झूठ मत बोल अजय, कंपनी ने तेरे खिलाफ फ्रॉड केस फाइल किया है और तू कंपनी के पैसे से ही मालदीप जा रहा है। अरे झूठे मत बोल, ऐसे मारूंगा ना कि जिंदगी भर बॉडी पार्ट्स को धार लेके जीना पड़ेगा। तंदरे बदतमीजी नहीं, ये बेईमानी कर सकता मैं, बदतमीजी नहीं। तुम्हें जो करना है पुलिस स्टेशन में करना, चलो। बेल हो गई तेरी। किसने की? अपर्णा मैडम। अपर्णा थैंक्स मुझे छुड़ाने के लिए, मर्डर केस में फंसा दिया था मुझे। क्या? हाँ मतलब उस दिन मैं एक लड़की के घर गया था जिसका नाम रोजी था और वहां उसका मर्डर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया था, वो तो अच्छा हुआ कि राघा भाई ने मुझे इस केस से छुड़ा लिया और मेरी जगह अपने भाई को फंसा दिया। चंदन को? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मैं एनजीओ में काम करती हूँ अजय, पुलिस वालों के साथ मेरी बात होती रहती है। चंदन जेल नहीं गया। जेल नहीं गया? एक मिनट, मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन हो रहा है। हम ना भी राघा भाई के घर जाते और सारी बातें क्लियर करते। चलो आ जाओ। क्या हुआ, तुम साथ नहीं चलोगी? अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी अजय, आज से हमारे रास्ते अलग। तुम्हारे लिए तो मेरा प्यार हमेशा रहेगा, लेकिन ये रिश्ता नहीं रह सकता। I'm sorry। अपर्णा, चंदन Thank you.
रोजी डार्लिंग, क्या गेम खेला यार तूने। अच्छा राघव भाई बहुत इंप्रेस थे तेरे से। थैंक यू डार्लिंग। अच्छा एक बात बता, ये अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बड़ा गेम खेल डाला। करना पड़ता है रोजी, करना पड़ता है। संभाल के रख। तुझे मालूम भी है क्या हुआ? पूरा प्लान राघा भाई का था। राजा साहब, वो रील वाली वॉरियर दादी है ना, उसके पास है अंगूठी, उसका पोता पहन के घूमता है। और करे भी क्यों नहीं, वो रिंग है ही इतनी करामती। तुझे क्या लगा रोजी तुझे ऐसे ही मिली? इट वॉज ऑल अ बिग कोइंसिडेंस, ये सब हमने प्लान किया था। राजा साहब, ये रेहान है, वो इन्फ्लुएंसर दादी है ना, उसके पोते की कंपनी में काम करते हैं। वो एंटोफिल वाली रोजी का इस्तेमाल करो इसके लिए, मेरे पूर्वजों की अंगूठी है उसके पास। दोस्त लोग कहते हैं सबर का फल मीठा है, लेकिन रोजी का फल उससे भी मीठा है। और प्लान की एक चीज तो क्लियर ही थी, फंसना सिर्फ तुझे ही था। रोजी ने तो बड़े आसानी से चाकू पे तेरे फिंगरप्रिंट्स ले लिए और फिर बेडरूम चली गई, जहां पे हमारा एक दूसरा खिलाड़ी इंतजार कर रहा था। गेस कर कौन? इंस्पेक्टर अमर, जो पटियाला में इस घर से भागा था ना, तभी अमर ने फिंगरप्रिंट वाले चाकू को रोजी के बॉडी के बाजू में रखा था। पर नहीं, तू तो बेवकूफ है ना, तुझे तो चाकू लेने की चुल थी ना, तो तू वापस आ गया और बेचारी रोजी को फिर से मरने की एक्टिंग करनी पड़ी। यार एवरीथिंग वॉज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, मॉर्ग में डेड बॉडी भी ऑर्गेनाइज कर रखी थी हमने, लेकिन तेरे चाकू ले जाने की चुल ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। अरे अगर वो चाकू वहां पर रहती तो ये प्लान कब का खत्म हुआ रहता। लेकिन खैर, बाकी जो कुछ भी है उसका तो लीड एक्टर तू ही है। अजय!